परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिसके अंतर्गत आप हर एक विश्वास करने वाले को, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करता है और उस पर विश्वास करके नए सिरे से जन्म प्राप्त करता है और फिर वो धीरे धीरे आपके पूरे वचन से वचन को समझता है, सीखता है और उस पर विश्वास करता जाता है और आपकी महिमा का पात्र बनता जाता है। उसका हृदय पवित्र आत्मा के फलों का प्रगटीकरण करने लगता है, उसका जीवन आपकी महिमा से भर जाता है, ताकि प्रभु लोग देखें और चकित हों और कहें कि वास्तव में प्रभु सच्चा है और उसका वचन भी सत्य है। हाँ प्रभु, आपका वचन जैसा कि आपके वचन में लिखा है ट्राइड एंड टेस्टेड है, और अगर इसको सही तरीके से कोई व्यक्ति सुने और समझे और ग्रहण करे, उसके जीवन में उसका रिजल्ट अवश्य आता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के हृदय में बोए जाते हैं, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा सिर्फ आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम लोग सच्चे सुसमाचार और झूठे सुसमाचार के विषय में कल हमने अध्ययन किया था, इसी अध्ययन में हम इसके दूसरे पार्ट में भी यही देखेंगे। झूठे सुसमाचार कुछ और नहीं बल्कि झूठ है। उनमें जो भी सत्य है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और केवल उसके झूठ को वजन देने और उसे वैध बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वे अज्ञानी लोगों के अंधेरे दिलों और अंधे दिमागों के लिए अधिक उचित और स्वीकार्य बन सके। अडोल्फ हिटलर ने एक बार कथित तौर पर कहा था, यदि आप एक बड़ा झूठ बोलते हैं और इसे बार बार बोलते हैं तो उस पर विश्वास किया जाएगा। परमेश्वर ने जो कहा है उसके बारे में झूठ जो है वो उसको इतना बढ़ा दो कि वो हर दिन अधिक से अधिक लोग उस पर विश्वास करने लगे। झूठी शिक्षा इतनी बढ़ती जा रही और मैक्सिमम लोग उसमें बिलीव करने लगे। आप जो चीज सुनते रहेंगे, धीरे से वो आपके अंदर मानसिकता में काम करने लगेगा। आप टीवी में देखिए एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, वो एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जगह बना लेता है और आपके अंदर बैठ जाता है। जब आप दुकान पर जाते हैं तो आप उन्हीं प्रोडक्ट्स का नाम लेते हैं जो आपके माइंड में बैठ गए। ठीक वैसे ही है, ये पूरा खेल वैसे ही होता है। इसीलिए दुनिया भर में हजारों हजार लोग झूठे उपदेशकों और ये जो टीवी पर बहुत, अब तो इनका समय खत्म हो गया, टीवी पर ऐसे ऐसे उपदेशक आते थे और ऐसे बड़े बड़े जिन्हें टेलीवेंजलिस्ट बोलते हैं, करोड़पति, और वो आकर लोगों के सामने और ऐसी बातें करते थे, बाइबल से बोलते थे और ऐसी बातें बोलते थे, ऐसा वो करते थे, लोगों को लगता था ये तो बहुत पहुंचे हुए। और उन लोग वो पैसों के लिए लोगों को जब बोलते थे लोग खूब पैसा देते। खैर वो समय अब नहीं, अब तो समय बदल गया, अब दूसरे तरीके से हो रहा है। प्रेरित पौलुस ने ऐसे दिन की भविष्यवाणी पहले से की थी। उसने कहा दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद में उसने ये बात बोली थी। दूसरा तिमोथियस उसका 3 और 4 अध्याय का 3 और 4 पद, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। बताइए कौन सा समय होगा? नहीं तो ये आज क्या चीज है? तो इसी समय के लिए तो बोला था, बिल्कुल हमारे समय की बात कर रहा था वो, कि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा, तो आज के जमाने में लोगों को क्या नहीं पसंद है? शुद्ध वचन बिल्कुल नहीं पसंद, उनको मिलावट करके दे दीजिए,
आप उनको झूठी तारीफ कर दीजिए, वो खुश है। आप उनसे मुंह देखा मुंह देखी बात करी, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनसे मुंह पे कोई चीज सच बोल दीजिए, वो उनको बुरा लग जाएगा। ये खरा उपदेश का मतलब ये है कि एकदम जो बात है वो मुंह पे बोल देना, नहीं पसंद करेंगे जी। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से, एक नहीं, एक को छोड़ेंगे और ढेरों को बटोर लेंगे। यही चल रहा है आजकल, बहुत बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से या अपना मन सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ये अपोलुस अपने चेले को तिमोथियस को कह रहा, पर तू सब बातों में सावधान रहे, तू ना इनके चक्कर में पड़ जाना, दुख उठा। देखिए, सच्चा सुसमाचार अगर कोई व्यक्ति सुनाना चाहेगा उसको दुख उठाना पड़ेगा। कोई सच्चा मसीही जीवन बिताना चाहेगा उसे दुख उठाना पड़ेगा। और बिना दुख उठाए दुनियावी बातों में, सारी चीजों में पार्टिसिपेट करते हुए वो मसीहत नहीं है। सुबह शाम यीशु 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 करना मसीहत नहीं है। यीशु मसीह बोल चुका है, जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो मुझे ये प्रभु है प्रभु क्यों कहते हो। वो एक्सेप्ट नहीं करता ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। मुंह से यीशु यीशु नहीं कहना है, उसकी आज्ञाओं और उसकी इच्छा में जीवन व्यतीत करना है। वो है मसीहत, जो आज के जमाने में दुर्लभ है। परमेश्वर का वचन सभी झूठे सुसमाचारों को केवल दंत कथाएं बताता है। आज लोग कथा कहानियों में, दंत कथाओं में मन लगाएंगे। आजकल के लोग बहुत मन लगा रहे हैं, हर झूठे सुसमाचार के देवता, हर झूठे धर्म के देवता केवल दंत कथाएं हैं। और देखिए, एक कहावत इन्होंने लिखी कि कुत्ते की छाया ने कभी किसी को नहीं काटा। इसका मतलब समझे, कुत्ते की जो परछाई होती है वो काट सकती है। तो आप ये दंत कथाएं जो हैं, ये एक परछाई तो है, उससे आपको कोई लाभ थोड़ी ना होगा, ना आपको नुकसान पहुंचाएगी ना आपको फायदा पहुंचाएगी। झूठे सुसमाचारों के देवताओं ने कभी किसी को नहीं बचाया, उन्होंने किसी को जीवन नहीं दिया और ना दे सकते। जब युगों से नहीं दे पाए तो आज क्या देंगे। मनुष्य का पतित स्वभाव उसे हमेशा ईश्वर के सच्चे सुसमाचार के बजाय झूठे सुसमाचार की ओर आकर्षित करता है। क्या हमारा पतित स्वभाव, और ये हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि आपका स्वभाव उसी साइड झुकेगा, झूठ की तरफ, सच की तरफ आएगा नहीं। ये भी एक जो जो व्यक्ति सच को लेकर खड़ा होता है ना, ये केवल ये अनुभव उसी के पास होता है, ये सबके पास ये अनुभव नहीं होता है। वो जो मनुष्य का पतित स्वभाव से हमेशा ईश्वर के सच्चे सुसमाचार के बजाय झूठे सुसमाचार की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि ये आकर्षण आध्यात्मिक सत्य को समझने में एक विलक्षण अक्षमता और ऐसी दंत कथाओं के लिए उनकी अपनी वासनाओं के अनुरूप है। पहला कुरिन्थियों 2:14 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2:14 दूसरा, पहला कुरिन्थियों 2:14। हाँ, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें, इसका मतलब ये है कि शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर के वचन की बातें, जो आत्मिक बातें हैं और जो पवित्र आत्मा के द्वारा जब बोली जाएंगी, उन्हें वो ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो बातें उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है
क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, तो उसके लिए वो किसी कहीं से भी वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये मैं गलत कर रहा हूं, वचन को ग्रहण ना करके मैं गलत तो नहीं कर रहा, पता नहीं चलेगा उसको, वो स्वाभाविक है। ये बात यहां पे जो लिखी ये स्वाभाविक है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 7 पद, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, शरीर ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है इसका मतलब जो लोग शारीरिक रूप से, अब देखिए इसको भी समझना है, शारीरिक दशा की बात की जा रही, ये शारीरिक मनोदशा की बात की जा रही। जब लोगों का मन शारीरिक बातों को तो समझता है, आप किसी को, अब इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हमने बाइबल में देखे, यीशु मसीह ने, हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं, शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, शारीरिक यानी आपका मन शारीरिक अवस्था में है कि मानसिक अवस्था में, आत्मिक अवस्था में, इसे कैसे समझेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने गॉस्पल जब देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना, उसमें ढेर सारे आपको ये वाले एग्जांपल्स मिलेंगे। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला, शारीरिक बात थी, शारीरिक जल मांगा था पीने के, लेकिन उसकी ये बोलने का मकसद वास्तव में अगर आप वहां पे देखें तो वो पानी नहीं पीना मांग रहा था, वो केवल उससे संवाद करना मांग रहा था, बातचीत करना मांग रहा था। जब वो स्त्री, क्योंकि वो सामरी थी और यीशु मसीह यहूदी था, और ये यहूदी लोग अलग से देखकर पता चलता था, फिजिकल था ना, तो ये देखने से पता चल जाता था कि ये सामरी, ये यहूदी और ये सामरी, इस उस समय में ये चीजें हुआ करती थी, कल्चर, तो इनको एक दूसरे को दोनों ने पहचान लिया था देखकर फिजिकली। तो यीशु मसीह से वो कहने लगी कि तू यहूदी होके सामरी से, मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता, क्योंकि लिखा हुआ है यहूदी सामरियों से कोई वास्ता नहीं रखते थे, इनमें अछूत मानते थे, तो उनका, उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। ये चीज वहां से हम लोगों को देखने को मिलती है। तब यीशु मसीह उससे बातचीत करना शुरू करता है, कहता है यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि जिससे तू बातें करी वो कौन है, तो वो तुझे जीवन का जल देता। तो वो स्त्री कहती है कि तेरे पास ना तो रस्सी है ना कोई बाल्टी है और कुआं गहरा है, तो वो जल तेरे पास आया कहां। अब आप इसमें क्या चीज देख रहे हैं, एक तरफ स्पिरिचुअल माइंडसेट, एक तरफ फिजिकल माइंडसेट। क्या आप ये सोचते हैं कि कलीसिया में बैठा हर व्यक्ति परमेश्वर के वचन का जो प्रचार आप कर रहे हैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है जैसा परमेश्वर के वचन में उसका अर्थ है, या आप अपने उनको फिजिकल कहानियों से उन चीजों को मिंगल करके उसके दिमाग में डाल रहे हैं। आजकल प्रचार कैसे होता है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर देगा, प्रभु ने ये कर दिया, प्रभु ने ये कर दिया, उसके सारे चमत्कार दिखाएंगे लिखे हुए, और फिर वो कहेंगे तुमको भी करेगा। कैसे दावा कर रहे हो कि करेगा, क्या ये प्रचार करना चाहिए उनको? उनको ये कहना चाहिए कि यदि जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे, मन नहीं फिराओगे और समर्पण नहीं करोगे, प्रभु तुमको कुछ नहीं करेगा। ये नहीं कोई बोल रहा, ये कोई नहीं बोल रहा, झूठी तारीफ करना, झूठी दिलासा देना, अरे सब हो जाएगा सिस्टर, ये हो जाएगा, और आप केवल इसलिए कि वो लोग दिल आपके सामने ऐसे कनेक्ट हो जाए और आपके सामने पैसे डाल। नेम, फेम, मनी के लिए ये सारा कार्य हो रहा, तो परमेश्वर के वचन को बिगाड़कर इस्तेमाल किया जा रहा ना। वो शारीरिक रूप में उसको रखते हैं और उसका आत्मिक मीनिंग लोगों तक उस लेवल तक लोगों को नहीं पहुंचा रहे, जबकि करना क्या है, पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा हर विश्वासी को कलीसिया में जो है उसको ग्रो कराता है अंडरस्टैंडिंग में, ताकि वो परमेश्वर के वचन के असली सत्य को समझने तक पहुंचे और समर्पण करे।
और ये एक दिन का काम नहीं है, इतना सरल नहीं कि एक बार में बोलेंगे हो जाएगा। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, 14 अध्याय का 17 पद पढ़िए, 17th verse। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, इसका मतलब है जिसे सांसारिक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है। कौन? सांसारिक व्यक्ति पवित्र आत्मा को ना तो देखता है ना जानता। अब ये बताइए कि पवित्र आत्मा को कैसे देखा जा सकता है? आप पवित्र आत्मा को देख सकते हैं और आप पवित्र आत्मा को नहीं देख सकते, दोनों बातें आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए ये आगे पढ़ दीजिए, वो ना तो उसे देखता है ना जानता है, तुम उसे जानते हो। ये चेलों से बोल रहा था, तुम उसे जानते हो। पवित्र आत्मा चेलों के साथ कैसे रहता था? हाँ, पवित्र आत्मा उतरा किस पर? अब प्रभु यीशु मसीह पर उतरा था तो यीशु मसीह के उसके हृदय में रहता था, उसके शरीर में रहता था, उसके ऊपर था, ऊपर उतरा था। तो पवित्र आत्मा का निवास स्थान कौन था? यानी चलता फिरता मंदिर कहते प्रभु यीशु मसीह था। तो चेले उसके साथ रहते थे, तो चेलों ने यीशु मसीह को देखा था, ठीक। तभी तो यीशु मसीह कह रहा है कि संसारिक व्यक्ति पवित्र आत्मा को ना तो देखता है और ना जानता है। वो कौन है जिसमें पवित्र आत्मा वास करता था? फिर अटक गए। प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का चलता फिरता मंदिर था, उसकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर थी, तो वो चलता फिरता मंदिर था, पवित्र आत्मा वास करता था, चेले उसके साथ रहते थे, तो पवित्र आत्मा चेलों के साथ, चेले पवित्र आत्मा के साथ रहते थे और चेले पवित्र आत्मा को देखते भी थे और जानते भी थे, यही तो बोल रहा है। और आज के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को ना तो देखा है और ना अभी ढंग से जाना है, वो पवित्र आत्मा कहां से पा सकते हैं? यही कह रहा वो कि नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, संसारिक लोगों को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने बाइबल में हजार बार ये बात पढ़ी होगी और सुनी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो, लेकिन आपकी समझ में आज तक नहीं आई होगी। जब ये लोग दावे करने लगे तब ये सत्य प्रभु ने खोल दिया, कह रहे ये तो गलत दावे हैं, कोई नहीं, पवित्र आत्मा कहीं नहीं। पवित्र आत्मा निवास कहाँ करेगा? उस व्यक्ति के जीवन में जिसे प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए नियुक्त किया। तो ये सेवकों के लिए, सेवक में पवित्र आत्मा रहता और सेवक चलता फिरता टेंपल बन जाता, टैबरनेकल, यानी चलता फिरता मंदिर, तंबू कह लीजिए, और वहां से पवित्र आत्मा काम करता। और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करता है, सेवक के लिए काम नहीं करता। सेवक के देह में वास करता है और प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करता है। तो वो जब आपको वचन सुनाएगा तो वो प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण से सुनाएगा या सेवक के दृष्टिकोण से? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की दृष्टिकोण में वचन आपके सामने रखेगा, वो हार्ड होगा, वो हार्ड होगा, लेकिन वो ट्रुथ होगा, ट्रुथ हार्ड है। इसलिए रोमियो के पत्री के 3 अध्याय में ईश्वर का कथन है कि कोई समझदार नहीं, कोई ईश्वर को खोजने वाला नहीं। और 3 अध्याय के, रोमियो 3 अध्याय के 11 पद में ये बात लिखी हुई है, ईश्वर की कृपा के बिना, ईश्वर से मिलने वाले विश्वास के उपहार के बिना मनुष्य स्वभाव से सच्चे ईश्वर को नहीं पहचान सकता, वो सच्चे सुसमाचार के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। और इसलिए ये मनुष्य के स्वभाव में है कि वो सच्चे ईश्वर की खोज ना करे बल्कि दंत कथाओं की ओर मुड़ जाए, झूठे सुसमाचार, गलत सिद्धांतों और सच्चे सिद्धांतों को सच्चे सिद्धांतों का एक मिश्रण है। अगर आप चाहें
तो एक कॉकटेल को बढ़ावा देते हैं, यानी बाइबल की कुछ बातों को लेकर और उसको मिक्स कर दिया एक व्यक्ति ने अपनी मानसिकता से और परोस दिया, ये प्रभु का वचन है, और लोगों ने उसको प्रभु के वचन के रूप में ग्रहण के उद्धार नहीं होगा, लिख ले लिए, आप सालों साल उसी दशा में बने रहेंगे, कुछ नहीं होगा, और कई साल के बाद आपको पता चलेगा मैं तो गलत पड़ गया। सही जगह छोड़ के भागने का इतना मलाल होगा कि आपके पास ये भी हिम्मत नहीं होगी कि हम वापस जाएं। ये तक हम बता रहे हैं, इतनी पीड़ा आपको हो जाएगी। और इसीलिए वो सच्चे ईश्वर की खोज ना करे बल्कि दंत कथाओं की ओर मुड़ जाए। झूठे सुसमाचार, गलत सिद्धांतों और सच्चे सिद्धांतों का एक मिश्रण, अगर आप चाहें तो इसे एक कॉकटेल को बढ़ावा देते हैं। शैतान अपने झूठे सुसमाचारों में पवित्र शास्त्र का उपयोग ऐसे करता है ताकि अपने झूठ, अपने विकृत सत्य को मनुष्यों के दिमाग में छिपा सके, और ये वाली उसकी जो स्ट्रैटेजी है ये आरंभ से काम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति झूठे सुसमाचार पर विश्वास करता है या अरबों लोग उस पर विश्वास करते हैं। झूठा सुसमाचार ईश्वर से नहीं आता है और उसने कभी किसी को नहीं बचाया। झूठा सुसमाचार एक चाल है शैतान द्वारा जनता को, लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक चाल है। विकृत सुसमाचार विकृत सत्यों से बने होते हैं, उनमें ऐसे सिद्धांत होते हैं जिन्हें उनके मूल और इच्छित अर्थ से अलग कर दिया गया है और सदियों से खोए हुए लोगों द्वारा बनाए रखा गया है, जिन्हें लोगों के दिमाग में सत्य में बदल दिया गया है, लाखों पुस्तकों में लिखा गया है और दुनिया भर में हजारों हजार लोगों को जोर से सिखाया जा रहा बोल बोल के। यदि आप एक बड़ा झूठ बोलते हैं और इसे बार बार बोलते हैं तो उस पर विश्वास किया जाएगा। एक झूठा सुसमाचार शैतान का सुसमाचार है और शैतान के सुसमाचार विभिन्न आकारों, सामग्री और पैकेजिंग में आते हैं। झूठा सुसमाचार ईश्वर के सत्य का शैतान का संस्करण है और वे सभी उन लोगों को आसानी से आकर्षित करते हैं जो या तो उन्हें विश्वास करने के लिए सबसे सुविधाजनक पाते हैं या लोगों की प्राकृतिक धार्मिक प्रकृति के अनुसार, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, उनकी अपनी वासनाओं के अनुसार। इसके प्रचारक और शिक्षक विशेष रूप से वे जो बहुत पहले मर चुके हैं, दुनिया भर में आध्यात्मिक दिग्गजों के रूप में पूजनीय हैं, उन्हें किताबों और धर्म गुरुओं के से बार बार उद्धृत किया जाता है। इन झूठे शिक्षकों में से किसी एक का नाम किसी पुस्तक या उपदेश में डाल दे और इसे तुरंत निर्विवाद सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। जो कोई भी तमाम ये पुराने लोग जिनके नाम आप उसमें डाल देंगे, जो नाम फेमस हैं, लोग खटाखट उन किताबों को खरीद कर और उसे उनकी बातों को सत्य के रूप में ले लेंगे, जबकि बाइबल के अलावा सत्य कहीं है नहीं। आप किसी के विचारों को पढ़ सकते हैं लेकिन खतरनाक ये होगा कि आप पढ़ते पढ़ते उन बातों में बिलीव करने लगेंगे, फिर आपको बाइबिल नहीं समझ में आएगी। वो पुस्तकें जो बाइबिल के को समझने के लिए लोग दूसरी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, दूसरों के विचार पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है, जिससे झूठी मसीहत खड़ी हो गई। ईश्वर के सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करना कुछ निश्चित और अलग अलग सिद्धांतों पर विश्वास करना है, ऐसे विशिष्ट सिद्धांत जिनका केवल एक ही लेखक है, स्वयं ईश्वर। सिद्धांत केवल शिक्षाएं हैं और शिक्षाएं या तो सत्य होती हैं या वे सत्य नहीं होती हैं। यदि आपको गलत तरीके से सिखाया गया है, झूठी शिक्षाएं खिलाई गई हैं, तो इससे पहले कि आप जो मानते हैं उसे व्यक्त करें, ये समझा जा सकता है कि आपके पास संभवतः सत्य नहीं हो सकता है। आपके पास जो सुसमाचार है वो संभवतः ईश्वर का सुसमाचार नहीं हो सकता है, जो सत्य की आत्मा द्वारा अपने लोगों को खिलाया जाता है। ईश्वर की पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु ने सत्य की आत्मा के रूप में संदर्भित किया है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 17 पद में हमने अभी पढ़ा। बाद में यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, परंतु जब वो सत्य की आत्मा आएगी तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगी। 16 अध्याय का 13 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 13 पद में, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। कौन बताएगा? तो आज लोग किसके द्वारा सुन रहे हैं? नहीं सर, पवित्र आत्मा कैसे, इस बात का प्रमाण कैसे है कि किससे सुन रहे हैं? इसीलिए यूहन्ना ने पहला यूहन्ना 4 अध्याय में इस बात को रख दिया, प्रकाशित वाक्य शुरू होने से पहले हमें बचाव का एक रास्ता दे दिया झूठी मसीहत को, कि हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो। तुम्हारे पूर्वजों से तुम जो चीजें पकड़ के चलते चले आ रहे हो वो कहाँ गलत थी, क्यों पवित्र आत्मा के फल लोगों के जीवन में प्रकट नहीं हो रहे, क्यों कलीसिया में वो कलीसिया से वो रिजल्ट, वो रोशनी क्यों नहीं निकल रही जिसका यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति हो, तुम मसीह की देह में लोग हैं, तो वो ज्योति क्यों नहीं प्रकट हो रही? वो डिवाइन लाइट कहाँ है? वो तुम पृथ्वी का नमक, वो नमक वाला स्वाद, वो उसका कहाँ स्वाद कहाँ है, वो इफेक्ट कहाँ है? नहीं है। तो लोगों को चेतना चाहिए कि नहीं, कि कुछ गलत चल रहा है, जो सही रिजल्ट नहीं आ रहा है। लोगों का दिमाग रिजल्ट पे नहीं है, परंपराओं को पकड़ के खड़े, लकीर पीट रहे। इसलिए ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति झूठे सुसमाचार पर विश्वास करता है तो उसे ईश्वर द्वारा नहीं सिखाया गया या उसकी पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित उसे नहीं किया गया। प्रेरित पौलुस सिखाते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसका 14 पद। जाहिर है कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। इसे यूहन्ना 4 अध्याय के 24 पद में यीशु के शब्दों के साथ जोड़ दें और आपको और भी स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी कि सच्चे मसीही सत्य पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, ना कि किसी भी तरह के झूठे सुसमाचार पर, चाहे सत्य के कितने भी करीब क्यों ना हो या उससे कितनी भी सच्चाई क्यों ना हो। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। यूहन्ना 4:24 है। यह परमेश्वर की सच्ची आराधना करने के लिए व्यक्ति को परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए और सभी सच्चे मसीही ऐसा करते हैं। सच्चे मसीही को परमेश्वर ने चुना है आत्मा के पवित्रीकरण और सत्य पर विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया है, ताकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्राप्त करो। दूसरा थिस्सलुनीकियों दो अध्याय का 13 और 14 पद पढ़िए। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया है। देखिए, सुसमाचार के बिना उद्धार की कहानी शुरू ही नहीं होती जी, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। अंतिम दिनों में
ये पत्री में जो लिखा है, पौलुस ने जो शिक्षा दी है, प्रेरितों की जो शिक्षा है, उसे थामे रहो, वरना इतने धोखे में लोग चले गए और इतनी बड़ी मात्रा में लोग धोखे में चले गए कि वो सब लिपट जाएगा। आपको बचना है तो आपको उनसे अलग होना पड़ेगा। ध्यान दे कि पौलुस कहता है हमारे सुसमाचार के द्वारा। यहाँ पे पौलुस का सुसमाचार आया कि नहीं आया? आप किसके सुसमाचार पे विश्वास कर रहे हैं? जिसे परमेश्वर ने उसे सिखाया था और किसी और ने नहीं। यदि आपको परमेश्वर द्वारा सिखाया गया है और उसकी पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित किया गया है और आपको एकमात्र विश्वास दिया गया है जो सच्चे सुसमाचार में विश्वास करता है, तो ये निश्चित है कि आपके पास सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि आप केवल सच्चे परमेश्वर के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। उद्धार की पूरी अवधारणा में ये तथ्य शामिल है कि एक बचा हुआ व्यक्ति वो है जिसे अंधकार के राज्य से बाहर लाया गया है और परमेश्वर के अद्भुत प्रकाश में लाया गया है, कि उसे अज्ञान की स्थिति से ज्ञान की स्थिति में लाया गया है। अब वो झूठे सुसमाचार को नहीं बल्कि केवल सच्चे सुसमाचार को ही मानेगा। अब वो ये विश्वास नहीं करेगा कि उद्धार का कोई भी हिस्सा उस पर निर्भर था, बल्कि केवल परमेश्वर की कृपा और दया पर निर्भर है। उद्धार केवल परमेश्वर की दया और कृपा पर निर्भर है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम उद्धार पाएंगे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 11 पद। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। एक ही रास्ता है उद्धार का, यहूदी और अन्य जाति दोनों के, कोई दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है, द ओनली वे। प्रेरित पत्रस ने अपने पहले पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है, तुम एक चुना मर्जी निकाल लीजिए। पहला पत्रस दो अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िए जी। हाँ नहीं, पहला पत्रस दो अध्याय, पद तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर, ये कौन लोग है? ये कलीसिया के लोग है, सच्ची कलीसिया के सच्चे विश्वासी जी। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, काय के लिए बुलाया गया है? एक मसीह विश्वासी को काय के लिए कलीसिया में बुलाया गया है, प्रभु में, मसीह की देह में, के उसके। अब जब तक आपके अंदर उसके गुण नहीं होंगे तो आप झूठे हैं कि नहीं है? आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे, कभी उसका गुण नहीं प्रकट कर पाएंगे। आप बॉर्न अगेन होने के बाद अगर आपको पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं मिली है, वचन पे आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं खुली है, तो आप उसके गुण नहीं प्रकट कर पाएंगे। तो शुरुआत तो बॉर्न अगेन से हो रही है, तो पहला कदम ही शुरुआत में वही दिखा देगा आपको कि आप कहां हो। यहां से अगर आप देखें तब भी आपको लिख गया ये पत्रस के द्वारा था। पत्रस कह रहा है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग अंधकार से बाहर लाए गए हैं, उन्हें अज्ञानता, खोएपन, आध्यात्मिक मृत्यु की स्थिति से बाहर लाया गया है और उनकी अद्भुत ज्योति में लाया गया है। अब वे झूठे सुसमाचार से धोखा नहीं खाते, क्योंकि उनका विश्वास केवल परमेश्वर के सच्चे और एकमात्र सुसमाचार में है, क्योंकि ये वो विश्वास है जो परमेश्वर विशेष रूप से अपने सभी लोगों को देता है, जो सुनिश्चित करता है कि वे सभी एक ही सुसमाचार पर विश्वास करें। परमेश्वर का सुसमाचार, 2 कुरिन्थियों में पौलुस के शब्दों को देखें और ये आपको मिलेगा। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 3
चार और पांच छह पद पढ़ दीजिए। परंतु पौलुस कह रहा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, किस किस किसके लिए पड़ा हुआ है? यदि कोई व्यक्ति पौलुस का सुसमाचार को नहीं सुनना मांग रहा या समझ नहीं रहा, पर्दा पड़ा हुआ, पर्दा मतलब उससे ये छिपा हुआ है, उसको नहीं मालूम है, तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा हुआ है। जिन्हें नष्ट होना, उन पर पर्दा पड़ा रहेगा जी। और अविश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि पौलुस कह रहा है, हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ये भी कहा जा सकता है कि यदि सच्चा ईश्वर छिपा है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने सच्चे ईश्वर के बारे में नहीं सुना है या उसे सच्चा ईश्वर नहीं मानता है, तो ऐसा व्यक्ति खोया हुआ है। इस बात पर भी ध्यान दे कि पत्रस कहता है कि खोए हुए लोग कुछ भी नहीं मानते हैं, बल्कि वे ईश्वर के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल उन लोगों से ही नहीं बने हैं जो मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, बल्कि वे लोग भी हैं जो ईश्वर के प्रति जोश रखते हैं, लेकिन उनके सुसमाचार के ज्ञान के अनुसार नहीं। यानी यहूदी लोगों को देखिए आप, पौलुस ने यहूदियों का एग्जाम्पल के तौर पर डाला यहाँ पर, हम अन्य जातियों के सामने, कलीसिया के लोगों के सामने, कि उनके पास परमेश्वर के लिए कितनी धुन थी, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं थी। और वही प्रॉब्लम आज अन्य जातियों में और कलीसिया के लोगों में, इनके पास धुन है। प्रभु ने आपको कलीसिया में खड़े होकर गीत गाने के लिए नहीं बुलाया, मसीह के गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाया। और किसी भी व्यक्ति को जो स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं हर संडे, किसी के जीवन से मसीह के गुण प्रकट हो रहे हो तो बता दीजिए, ये कौन सी शिक्षा, कौन सी कलीसिया, कौन सी आत्मा और कौन सा सुसमाचार, तीन चीजें एक साथ चेक हो जाएंगी। मनुष्य एक अत्यंत धार्मिक प्राणी है, जिसका मन शैतान द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार के प्रकाश से अंधा कर दिया गया है। ये पतन की अवस्था है। अब आप सुसमाचार के नाम पे जो भरोसा जाएगा वो आप ग्रहण करेंगे और मानेंगे, और नाम यीशु यीशु करेंगे, और काम वो कौन सा यीशु है जिसके काम लोग कर रहे हैं यीशु का नाम लेकर। ध्यान देने वाली वचन में ध्यान नहीं दिया, अगर दिया होता तो ये बहुत पहले चेत गए होते। यह इसीलिए लिखा है, वो सुसमाचार पर वो ईश्वर के प्रति जोश तो रखते, लेकिन उसके सुसमाचार के ज्ञान के अनुसार नहीं। मनुष्य एक अत्यंत धार्मिक प्राणी है, जिसका मन शैतान द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार के प्रकाश से अंधा कर दिया गया है। सच्चे सुसमाचार और सभी झूठे सुसमाचारों का जीवन, सच्चा सुसमाचार एक है सिंगल, और झूठे सुसमाचारों यानी ढेर सारे हैं का जीवन और मृत्यु का मुद्दा अनुग्रह और कार्यों के बीच की लड़ाई है। और इसीलिए ये वाला विषय जो है ये गंभीर हो जाता है कि सुसमाचार सहित सभी झूठे सुसमाचार किसी न किसी तरह से मनुष्य के कार्यों को बढ़ावा देते हैं।
वे उद्धार को मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित करते हैं, ना कि केवल परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों पर। वे सभी कहते हैं कि मनुष्य को बचाए जाने या बचाए रहने के लिए कुछ करना चाहिए। सबसे भ्रामक लोगों को अनुग्रह के सुसमाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये शैतानी बीज कार्यों का खमीर है जो पूरे को प्रदूषित करता है और इसे इतना घातक भोजन बनाता है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम उद्धार पाते हो, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है, कार्यों से नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों की पत्री 2:8-9 में ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपके सामने लाया गया कोई भी सुसमाचार जो ये बताता है कि उद्धार का कोई भी हिस्सा बचाए जाने या बचाए रहने का कोई भी हिस्सा किसी भी तरह से किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है और वो क्या करता है या नहीं करता है, वो सुसमाचार है जिसमें झूठे सिद्धांत झूठी शिक्षाएं हैं, और इसलिए ये ईश्वर का सुसमाचार नहीं हो सकता। झूठे सुसमाचारों में ऐसी शिक्षाएं होती हैं जो ईश्वर से नहीं निकलती हैं। परिणाम स्वरूप वे सच्चे ईश्वर को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि केवल एक झूठे ईश्वर को प्रकट करते हैं, केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति अपने ईश्वर को ईश्वर और यीशु कहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चे ईश्वर और सच्चे यीशु में विश्वास कर रहा है। एक झूठा सुसमाचार सच्चे ईश्वर को प्रकट नहीं करेगा, बल्कि केवल और हमेशा एक झूठे ईश्वर को प्रकट करेगा जो बचा नहीं सकता। झूठा मसीह जो सभी के लिए मर गया और अब लोगों से उसने जो किया है उसे स्वीकार करने की उम्मीद में इंतजार कर रहा है, वो उद्धार करता है जो अपने सभी अनुयायियों को एक खोए हुए और निराशाजनक स्थिति में छोड़ देता है। जब आप ईश्वर के बारे में झूठ पर विश्वास करते हैं तो आप दूसरे ईश्वर, झूठे ईश्वर, दूसरी आत्मा, झूठी आत्मा, दूसरे यीशु, झूठे यीशु और दूसरे सुसमाचार, झूठे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं जिसमें बचाने की कोई शक्ति नहीं है। आपका विश्वास आपका अपना है और वो नहीं है जो ईश्वर की ओर से उसके चुने हुए लोगों को उनके सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए दिया जाता है उपहार स्वरूप, और हर दूसरे सुसमाचार को ईश्वर का होने के नाते हमेशा के लिए अस्वीकार कर देते हैं और इसलिए किसी को भी बचाने का कोई शक्ति नहीं रखते। ये सिद्धांत बुनियादी हैं। वे उद्धार के बारे में पवित्र शास्त्र की बातों को सही ढंग से समझने के लिए मौलिक हैं। ईश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करना या ना करना, बाइबल झूठे सिद्धांतों के बारे में चेतावनी देती है और हमेशा सत्य के सिद्धांतों पर विश्वास करने को प्रोत्साहित करती है। झूठे सुसमाचार की शिक्षाओं में कोई उद्धार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वे सभी उद्धार की शर्त रखते हैं। वे उद्धार को आध्यात्मिक रूप से अंधे और मृत व्यक्ति के ईश्वर को प्रसन्न करने के बिल्कुल व्यर्थ प्रयासों पर निर्भर बनाते हैं। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखे अपने दूसरे पत्र में उन लोगों के बारे में चेतावनी दी है जो प्रचार करते हुए आते हैं, दूसरा यीशु जिसका हमने प्रचार नहीं किया, या दूसरा आत्मा जिसे तुमने ग्रहण नहीं किया, या दूसरा सुसमाचार जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया। दूसरा कुरिन्थियों 11:4 और गलातियों 1:8-9 में ये बात दोनों जगह पाई जाती है। अब ये चेतावनी सच्चे सुसमाचार विश्वासियों को दी गई है कि शैतान और उसके सेवकों की चालाकी ऐसी है कि अगर संभव होता तो वे सच्चे सुसमाचार से विश्वासियों को भी धोखा दे सकते थे, जैसा कि मत्ती 24:24 में लिखा है, यीशु मसीह ने जिन्हें बुलाया था नाम लेकर और उन्हें चुना था उनको भी भरमा दे। इतनी पावर है झूठे में। आप कहां पर विश्वास कर रहे हैं? और बड़े धड़ल्ले से लोग दावे के साथ खड़े हो रहे हैं, बात कर रहे हैं बिना प्रभु की आत्मा की अगुवाई में, वचन को समझे बिना, बिना समर्पण के, बिना बॉर्न अगेन हुए, इन बातों को लेकर खड़े
और दावे कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान कार्य के लिए प्रभु, जो आपने एक बार किया और सबके लिए सर्वदा के लिए कर दिया, अर्थात हमारे पापों के लिए सर्व सिद्ध बलिदान को आपने हमेशा के लिए और सबके लिए सर्वदा के लिए पूरा कर दिया। लेकिन प्रभु, दूसरा चरण जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट कार्य का, वो चरण है पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन को समझना और कलीसिया में बॉर्न अगेन होकर पवित्र आत्मा की शिक्षा में बढ़ना और पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण के द्वारा प्रकट होना। प्रभु, ये कार्य आप करना चाहते हैं और हम आपके लिए अपने आप को समर्पित करते हैं और ये कहते हैं प्रभु कि मैं आपके लिए, मैं मिट्टी हूँ, आपको मार, जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, और मैं अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति, अपनी शक्ति को इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि उसके द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो और वो कार्य हो जो आप करना चाहते हैं ताकि आपका नाम महिमा पाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।